ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है आदिपुरुष के फिल्म मेकर की तरफ से। जो मूवी 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी अब वो 16 जून तक पोस्टपोन कर दी गई है। आप सबको पता ही है कि जिस तरह से इस मूवी को एक नेगेटिव प्रतिक्रिया मिली थी इसके टीजर के आने के बाद, लोगों ने जिस तरह से मूवी के काम को, जिस तरह से मूवी के एनिमेशन वर्क को, VFX वर्क को एनिमेशन कह के लताड़ा था, उसके बाद ओमराव जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने अब इसको 6-7 महीने के लिए डिले कर दिया है। अब ये मूवी हमें फाइनली 16 जून को देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी कहना श्योर नहीं है कि ये 16 जून को आ ही जाएगी, क्योंकि मूवी में हमें ऐसा लगता है कि बहुत काम करना पड़ेगा, इवन कई सारे रीशूट भी करने पड़ेंगे। अब आपने पहले 500 करोड़ रुपए खर्च किए मूवी को बनाने के लिए, अब आप उसमें 100 200 300 करोड़ और लगाएंगे, मूवी को दोबारा से रीशूट करेंगे, दोबारा से उसका VFX का वर्क चालू करेंगे और फिर लेकर आएंगे। अगर आप इसको ओरिजिनल की तरह ही लेकर आते, एक लाइव एक्शन की तरह लेकर आते तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरा कैरेक्टर को मॉडिफाई करके पूरा का पूरा जो रामायण की जो सोल थी उसको खत्म कर दिया। इस मूवी ने इतनी ज्यादा नेगेटिविटी झेली है कि इस मूवी का पोस्टपोन होना तो पहले से ही तय था। मुझे तो लग रहा है कि मूवी और आगे पोस्टपोन होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम आपको शुरू से करना पड़ेगा, इवन एक्टिंग से लेके VFX से लेके हर एक चीज। इसमें पैसा भी बहुत लगने वाला है और टाइम भी बहुत लगने वाला है। लोगों के आस्था को छेड़ने के बाद, नेगेटिविटी झेलने के बाद अब आप पोस्टपोन कर रहे हो, आप पे लोग बिलीव करें तो कैसे करें, और आप जब लेकर आओगे कुछ तो उस पर भी लोगों की तीखी नजर रहेगी कि आप अब क्या लेकर आने वाले। तो आदिपुरुष की मेकर को ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो जो हमें बना के दे रहे हैं उन्होंने तो पहले ही देख लिया होगा ना कि वो क्या बना रहे हैं और वो कितना रियलिस्टिक लग रहा होगा। माना कि टी सीरीज के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या पैसे को इस तरह से बर्बाद करना सही है? उनकी पिछली फिल्म जो प्रभास के साथ थी वो थी राधेश्याम, वो भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही, जबकि वो 350 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी थी, उसके बाद ये 500 करोड़ की मूवी। मेरा मानना यह है कि टी सीरीज को आने वाली जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी, उनमें उनकी सही नजर होनी चाहिए, क्योंकि टी सीरीज गुलशन कुमार के नाम से फेमस है और गुलशन कुमार ने धर्म और आस्था को अपने जीवन में बहुत अहम जगह दी है, तो इस बात को टी सीरीज को भी समझना चाहिए और आने वाले उनके सारे प्रोजेक्ट्स पे उनकी भी नज़र होनी चाहिए कि वो क्या परोस रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए इस तरह से मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।